YouTube चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स में आप सभी का स्वागत मैं पिंकी गिरी कर रही हूँ और आज हम जो चैप्टर नंबर फोर है हमारा ह्यूमन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का जो नाम है uh, हम लोग हमने इम्यूनिटी का एक वीडियो अपलोड कर दिया और सेकंड वीडियो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में और क्या है इम्यून रिस्पांस यानी कि संक्रमण प्रतिचार ठीक है ये ये तीन टॉपिक हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडी से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारा शरीर जो है इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है पर एंटीबॉडी होता क्या है एंटीबॉडी कहाँ से आता है ये उत्पन्न क्या कहाँ होता है इसके क्या काम होते हैं यहां पर आपको सब मिल जाएगा ठीक है मैंने इंग्लिश में लिखा है तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते जाऊंगी ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी कोई दिक्कत ना हो ठीक है और <coughs> यहाँ पर एंटीबॉडी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो एंटीबॉडीज क्या होता है एंटीजेन एंटीजेन को नष्ट करने के लिए एंटीजन को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में मानव शरीर में डब्लू जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स है एक प्रोटीन जातीय पदार्थ उत्पन्न करता है जिसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं ठीक है समझ में आए हमारे शरीर में एंटीजन एंटीजन मीन क्या हुआ कि जो बाहर से जितने भी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं उनको नष्ट करने के लिए एक प्रोटीन जातीय पदार्थ एक प्रोटीन जातीय पदार्थ हमारा व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी ठीक है आ, एंटी ये प्रोटीन जातीय पदार्थ क्या होता है जिसको बोलते हैं बी सेल यानी बी लिंफोसाइड्स कहा जाता है टी सेल्स यानी कि टी लिम्फोसाइड्स कहा जाता है ये व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है रिकॉग्नाइज करता है और इन्फेक्शन को रिमूव करता है उसको हटाता है ठीक है तो हम लोग डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि अब इन द ब्लड टू फाइट डिजीज एक ऐसा पदार्थ जो ब्लड में प्रोड्यूस होता है एक ऐसा, एक ऐसा ऐसा पदार्थ जो ब्लड में प्रोड्यूस होता है और जो डिजीज को फाइट करने के लिए उसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी रक्त में उत्पन्न होने वाला रोग निरोधी पदार्थ हम लोग इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि रक्त में उत्पन्न होने वाला रोग निरो, नि, रोग निरोधी रोग निरोधी पदार्थ को ही हम लोग एंटीबॉडी का नाम दिया गया है ठीक है एन एंटीबॉडी नोन एज इम्यूनोग्लोबिन इसको इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है इज अ लार्ज बहुत विशाल होता है वाई का होता है और प्रोटीन होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है यूज बाय द इम्यून सिस्टम ये इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधी जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन युक्त पदार्थ है टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो बाहर से जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनके लिए जैसे कि सच एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस वायरस और बैक्टीरिया जो बाहर से आने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है उनको उदासीन करता है पहचानता है हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्गत एक प्रोटीन युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है जिसको एंटीबॉडी का नाम दिया गया है ठीक है एंटीबॉडी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं ठीक है इनके निम्नलिखित गुण बता रही हूँ मैं आपको ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं यानी इमोनोग्लोबिन जिसको कहा जाता है ये विशेष प्रकार के लिम्फोसाइड्स द्वारा किसी एंटीजन का सामना होने पर उत्पन्न होते हैं जैसे ही शरीर में एंटीजन आया ये तुरंत से उत्पन्न हो जाते हैं ये लिम्फोसाइड्स लसिका ग्रंथिया ग्रंथियों प्लीहा या रक्त या लसिका में पाए जाते हैं इनका फंश ये कहाँ पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं ये लसिका ग्रंथियों में प्लीहा में रक्त में लसिका में पाए जाते हैं हमारे शरीर अनेक प्रकार के एंटीबॉडी उत्पन्न कर सकता है हमारे शरीर की खूबी क्या है कि अनेक प्रकार का एंटीबॉडी उत्पन्न कर सकता है एक प्रकार का एंटीबॉडी किसी खास एंटीजन के विरुद्ध काम करता है एक एंटीबॉडी किसी एंटी विशेष प्रकार के एंटीजन को निष्क्रिय कर नष्ट करता है ठीक है कुछ ऐसे एंटीबॉडी जन्म से ही हमारे रक्त में पाए जाते हैं ठीक है और ऐसे लोग जो विशेष रोग से रोगाणुओं से प्रवेश करने पर फेगोसाइटिस से बचने पर भी रोग से ग्रसित नहीं होते हैं ठीक है और एंटीजन के समूह उत्पन्न एंटीबॉडी के कारण इम्यूनिटी थोड़े समय के लिए जैसे कि सर्दी कॉलेरा आदि में अथवा लंबी अवधि के लिए भी हो सकता है ठीक है हमारे शरीर का कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर कि हमारा जो शरीर है जैसे अभी सर्दी कलरा इत्यादि में थोड़े समय लेके थोड़े समय के लिए भी इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखता है तो ये क्या करता है कि एंटीबॉडी उत्पन्न कर सकता है या फिर लंबे समय तक के लिए भी कर सकता है जब स्मॉल पॉक्स और मिसल्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी ये क्या कर सकता है कि ये एंटीबॉडी उत्पन्न कर सकता है ठीक है एंटीबॉडी का काम क्या है एंटीबॉडीज आर क्या होते हैं प्रोटीन युक्त होते हैं इनका काम क्या है एंटीबॉडीज प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजें बिकॉज इट प्रस्ट फॉर इयर्स लंबे समय तक के लिए भी हो सकता है आफ्टर प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन यदि आपके शरीर में एंटीजन प्रेजेंस हो रहा है बार बार तो ये लंबे समय तक भी एंटीबॉडी उत्पन्न हो सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन बायिंग अदर इम्यून रिस्पॉन्स ये क्या करते हैं बाहर से जो जिससे जितने भी रोगाणु आते हैं उनको डिस्ट्रक्ट करते हैं बर्बाद करते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं और स्टमलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यून रिस्पॉन्स को स्टूमुलेट करते हैं ठीक है इम्यून को रेगुलेशन करते हैं हमारा जो रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको रेगुलेट करते रहते हैं इसमें कौन कौन से सेल काम आते हैं ये कहाँ कौन कौन सा सेल काम आता है तो इसमें हमारा आता है बी सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज ठीक है और और सोचिए में ये बनते हैं सबका एम्यूनो एसिड सिक्वेंस अलग हो सकता है बी बी बीलिम्फोसाइड्स और टी सेल्सिम्फोसाइड्स डीज वाइट ब्लड सेल्स हेल्प रिकोगनाइज एंड रिमूव इन्फेक्शन कॉजिंग सेल्स जो कि बहुत सारे ऐसे भी कोशिकाएं होती हैं जो कोशिकाएं के को 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 होते हैं उनको ये पहचानता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल रिकॉगनाइज करता है और उनको रिमूव करता है ठीक है तो एंटीबॉडी समझ में आ गया होगा अब हम लोग पढ़ते हैं एंटीजन के बारे में एंटीजन क्या है एंटीबॉडीज के बारे में इतना कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है आई होप सो कि आप लोग को इसमें से बहुत कुछ लाभ मिलेगा ठीक है और हम लोग जानते हैं एंटीबॉडी सॉरी एंटीजन क्या होता है एंटीबॉडी के बारे में यहाँ पर लिख दिया है एंटीजन के भी बारे में मैं यहाँ आप लोग बता रही हूँ ठीक है एंटीजन किसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी जीन प्रोटीन जातीय कणों को नष्ट करता है अर्थात जीन प्रोटीन जातीय कणों जीन प्रोटीन जातीय पदार्थ यानी भी प्रोटीन के ही बने होते हैं जनरली पॉलीसेक्राइड होते हैं रोगाणुओं के प्रवेश से एंटीबॉडी इनके कारण एंटीबॉडी उत्पन्न होता है इम्यून हमारा क्या करता है रेस्पॉन्स करता है तो एंटीजेन के कारण ही हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्स हुआ हाँ और उसके कारण क्या बना एंटीजन के कारण ही हमारा शरीर में एंटीबॉडी बना तो बाहर से जब कुछ प्रवेश करता है तो उसी को ही हम लोग एंटीजन कहा जाता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंटीबॉडी जीन प्रोटीन जातीय कणों को नष्ट करता है अर्थात जीन प्रोटीन जातीय पदार्थ यानी रोगाणुओं के प्रवेश से एंटीबॉडी उत्पन्न होता है उसे एंटीजन कहा जाता है प्रत्येक परजीवी के शरीर में एंटीजन उपस्थित रहता है जितने भी परजीवी होते हैं ना उनके शरीर में क्या होता है एंटीजन उपस्थित रहता है एंड ए सब्सटेंस दैट इंटर द बॉडी एंड स्टार्टस अ प्रोसेस क्या करता है इट स्टार्टस अ प्रोसेस दैट कैन कॉजस डिजीज जो डिजीज को उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में जो एक पदार्थ जो इंटर करता है उसको हम लोग एंटीजन के नाम से रोगाणु कहा जाता है यानी जो रोग को बढ़ाता है वो क्या है रोगाणु ही है शरीर में प्रवेश करने वाला रोगो उत्पादक पदार्थ ठीक है एंटीजन इंक्लूड टॉक्सिन्स इनमें क्या क्या हो सकता है टॉक्सिंस हो सकते हैं केमिकल्स हो सकते हैं बैक्टीरिया वायरसेस और अदर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जैसे कि हमारा कैंसर सेल है वो भी एक प्रकार का एंटीजन का ही काम करता है दैट कम आउटसाइड द बॉडी कैंसर सेल हमारे खुद के बॉडी से ही होता है जब उसका खुद का इम्यून खराब सिस्टम जब काम करना बंद कर देता है तो कैंसर सेल के रूप में वो लोग हो जाते हैं तो इससे हमारा एंटीबॉडी हम रिस्पॉन्स नहीं कर पाता तो ये भी उसको भी एंटीजन के ही रूप में लिया जाता है एंटीजन जनरली हैव हाई मोलिकुलर वेट ये मोलिकुलर इसका हाई हाई मोलिकुलर वेट होता है एंड आर कॉमनली प्रोटीन्स साधारण ये प्रोटीन्स के ही होते हैं ईच एंटीजन हैव डिस्टिंग सरफेस फीचर्स इसके अलग अलग सरफेस फीचर्स भी हो सकते हैं रिजल्टिंग इन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स जिसके कारण ये हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के रेस्पॉन्स को उत्पन्न करता है ठीक है हम लोग आते हैं कि इम्यून रेस्पॉन्स किसको कहा जाता है यानी असंक्रमण प्रतिचार किसको कहा जाता है हमारे शरीर में जैसे बहुत तरह के रोगाणु प्रवेश करते हैं ठीक है ठीके? तो क्या होता है कि ला, जो लाल रक्त या लसीका में प्रवेश करते हैं लाल रक्त कणिकाओं में जो जैसे ही वो प्रवेश किए हमारे ब्लड में जैसे ही कोई भी रेgano प्रवेश करता है तो जो उसमें जो उपस्थित जो लिम्फोसाइट्स होता है वो एंटीबॉडी उत्पन्न करता है ठीक है लिम्फोसाइट्स क्या किया एंटीबॉडी को उत्पन्न किया जो उन जीवाणु और रोगाणुओं के चारों तरफ क्या करते हैं कि घेर कर एक ढेर सा समूह बना लेता है घेर कर एक ढेर सा समूह बना लेता है और उस ढेर को क्लंप उस ढेर को क्लंप कहा जाता है और जो क्या होते हैं फेगोसाइटिक होते हैं फेगोसाइटिक क्या हुआ जिस तरह अमीबा होता है ना वो क्या करता है कि अपने किसी भी चीज को ऐसे मान लीजिए वो सेल ब, ये बना हुआ है धीरे धीरे वो क्या करता है कि अब उस बैक्टीरिया यहाँ आ रहा है मान लीजिए बैक्टीरिया है ये धीरे धीरे अपना ऐसे ऐसे बनाएगा लुप ठीक है उसके बाद ये क्या बनाएगा धीरे धीरे इसको निगल जाएगा ठीक है ये बैक्टीरिया को निकलती है क्या हुआ एक फेगोसाइटिक नेचर का होता है फेगोसाइटिक डब्लू बी सी निकल जाता है ठीक है और उसे पचा लेता है कोई रोगाणु शरीर में जैसे ही प्रवेश करता है तो जो फेगोसाइटिक डब्ल्यू बी सी उसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है ये रक्त वही न... रक्त वाहिनियों के दीवार के आर पार हो जाते हैं और जीवाणु और रोगाणुओं को फेगोसाइटिक्स के द्वारा नष्ट कर देते हैं जैसे कि इसको फेगोसाइटिक्स नेचर कहा जाता है ठीक है तो ये क्या कर रहे हैं कि कैपिलरी वॉल वा, के बाहर निकल जाते हैं और जीवाणु और रोगाणुओं को ये लोग क्या करते हैं कि निकल जाते हैं इसको निकलना कहते हैं ठीक है ना डब्ल्यू द्वारा जीवाणुओं का निकलना को फेगोसाइटिस नेचर कहा जाता है डब्ल्यू का इसको इन ग्लव भी कहा जाता है ठीक है आपने अब ये हमारा जो एंटीजेन एंटीबॉडी और इम्यून रिस्पेंस किस तरह से होता है ये मैंने बताया इस वीडियो के दौरान आई होप सो कि आप लोग को ये तीन टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं टीका या वैक्सीन की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन ठीक है तो प्लीज फुल वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से लाभ हो सके और हमारा जो मेहनत किया हुआ वो भी आपको समझ में आ सके ओके okay? किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होने से इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ओके okay? चलिए तो ध्यान रखिए अपना ठीक से पढ़ाई करिए ओके बाय बाय थैंक यू